सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज इस नए वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं विड्रॉल के रिगार्डिंग, जो कि बहुत ही अहम टॉपिक है। ये आज बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि कंपनी विड्रॉल देने में बहुत ही देर कर रही है। एक तो $50 दे रही है और उसमें भी काफी देरी लग रहा है। अभी तक समझिए कि जो 4 तारीख का जिन्होंने विड्रॉल किया हुआ है उनको अभी तक नहीं मिला है। तो वजह क्या है, क्यों इतना देर कर रहा है, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है और लोग परेशान भी हो रहे हैं इसको लेकर के कि एक तो पहले 5 दिन में बोला, उसके बाद फिर 7 दिन में कर रहा है, फिर वो भी 7 दिन बोल करके दे नहीं रहा है, काफी टाइम लग रहा है, तो इसका कारण क्या है। तो फ्रेंड्स, जो मैं रीड कर पाया कंपनी को कि वजह क्या है, क्यों ऐसा कर रहा है, तो मैं अपने अनुमान से मैं आपको बता सकता हूं कि आखिर क्या वजह है। अभी देखिएगा कि जो कंपनी को विड्रॉल देना है वो सैटरडे और संडे को क्लोज है, मतलब वो सैटरडे संडे को आप विड्रॉल कर सकते हैं, बट वो आपका विड्रॉल आपके सैटरडे संडे को नहीं आता है। तो थोड़ा सा जो हम समझ पाए हैं मैं उस पर आपको बात करने वाला हूं। और मैं देख रहा हूं कि लोग कमेंट में भी बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मेरा विड्रॉल नहीं हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बहुत सारी चीज, मतलब तरह तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज आप गलत कमेंट ना करें, अन्यथा मुझे क्या करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स को बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि शायद गलत कमेंट करना आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा और जो पढ़ेंगे जो देखेंगे उनको भी अच्छा नहीं लगता होगा, वो बिल्कुल खराब चीज है। इसलिए गलत कमेंट करने से बचें और जो भी बोल सकते हैं वो पॉजिटिव करें कि अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपको इससे अगर कुछ बेनिफिट लग रहा है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो आप इसको जरूर अप्रिसिएट करें। आपके भाई को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, वो आपके लिए कुछ करना चाहता है, ठीक है, तो जरूर से आप इसको करें। तो फ्रेंड्स, मैं चलिए बात करता हूं कि विड्रॉल में इतना देरी क्यों हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले बात कि विड्रॉल पहले जो होता था हम लोगों का एकदम इंस्टेंट होता था, ऐसे मारे वैसे ट्रस्ट वैलेट में चला जाता था। ये वजह इसलिए था, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उस समय कंपनी के अंदर अच्छा खासा बिजनेस जा रहा था, मार्केट से अच्छा कंपनी के पास भी फंड होता था, उसको कोई दिक्कत नहीं था, तो वो इंस्टेंट दे देता था। अभी जुलाई के अंदर में जो प्रॉब्लम आया था कंपनी में कि मेरा एपीआई हैक हो गया है, तो उसके वजह से अगर ये सही होगा तो पूरा फंड इसका गायब हो गया, खत्म हो गया, जो भी था वो नहीं है, और जो बचा हुआ था थोड़ा बहुत वो इधर उधर खर्चा कर दिया, मतलब आंबेवली में, आपका टूर में, आपका एक्सपो में, बहुत सारे जगह पे कंपनी ने खर्चा किया, तो उसके पास बचा नहीं। और फिलहाल अभी जो सिचुएशन है आप देख रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं कि कंपनी के अंदर में बिजनेस बहुत कम, मतलब ना के बराबर जा रहा है। अब क्या है कि इस मंथ में थोड़ा थोड़ा अच्छा खासा भी बिजनेस जाना शुरू हो गया, अभी तो ये हो गया। दूसरी चीज है, कंपनी TLD डोमेन लाया हुआ, उसमें भी बहुत अच्छा वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि TLD डोमेन वो कॉन्सेप्ट है जो कंपनी को एक स्टेबिलिटी दे सकता है, तो उस पर भी वर्क नहीं हो रहा है उतना अच्छा से। फिर भी कंपनी के पास कुछ ना कुछ फंड जा ही रहा है, लेकिन जो फंड बचा हुआ है उस फंड के माध्यम से मुझे लग रहा है, मतलब जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वहां पे ट्रेडिंग कर रही है कंपनी, और ट्रेडिंग करके वो पैसा जनरेट कर रही है, और जनरेट करने के बाद में फिर वो आपको हमको दे रहा है, और इस वजह से सैटरडे संडे को वो विड्रॉल नहीं दे रहा है। और चूंकि सैटरडे संडे को तो बंद रहता है मार्केट, ठीक है, बाकी का टाइम में क्या होता है कि उसके पास जो भी फंड होता है उससे वो पैसे जनरेट कर रहा है, जैसे जैसे उसके पास फंड आ रहा है उसके अनुसार से कंपनी लोगों के विड्रॉल को रिलीज कर रही है। तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप ये बात समझ सकते हैं कि यहां पे आपको कि विड्रॉल दे रहा, सबसे बड़ी बात यही है कि कंपनी विड्रॉल दे रही है, चाहे वो देर ही सही लेकिन दे रही है। कंपनी के बारे में कुछ गलत सोचना भी मुझे नहीं लगता है कि सही होगा, क्योंकि अगर कंपनी को नहीं देना होता तो भाई इस तरह से भी क्यों देता।
ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं बोलता हूं फ्रेंड्स कि आप जरूर से मीटिंग को ज्वाइन करिए, सीखिए। जब भी मैनेजमेंट टीम आती है और लाइव आती है, उसको जरूर आप उस सेशन को जरूर ज्वाइन करिए और वहां पे सुनने का प्रयास करिए। बाकी दूसरे तीसरे लोगों से सुन करके खुद को नेगेटिव ना करें, खुद को डिमोटिवेट ना करें, उससे आपका ही नुकसान हो सकता है, आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरे को नहीं। जो आपको बरगला रहा है, गलत अफवाहें फैला करके आपको नेगेटिव कर रहा है या दूसरे प्लान के बारे में आपको बता रहा है, तो वो अपने फायदे के लिए बोल रहा है। इसलिए बिल्कुल इस पे ध्यान ना दें, जो चल रहा है उसको देखिए, समझिए। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कंपनी 2 महीना बोली, 2 महीना बाद में रफू चक्कर हो जाएगी। तो भाई रफू चक्कर हो भी जाएगी तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और अगर रफू चक्कर होना ही है तो भाई इस तरह से क्यों देगा, क्यों इतना परेशान होगा कंपनी, बीच बीच में आपके पास क्यों आता। तो ये सब चीजें हैं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। आप टीएलडी डोमेन में, बहुत सारे लोग टीएलडी डोमेन को लेकर के भी नेगेटिव बोल रहे हैं, तो देखिए मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा हूं, मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूं या फिर मैं आपको करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आपको जो सही लगे बस वही करिए आप। मेरा सिर्फ मकसद है कि आपको सही जानकारी आप तक पहुंचाना, और मेरे द्वारा अगर जानकारी आपको लगता है कि नहीं सही आ रहा है, मैं अच्छा आपके बीच में इन्फॉर्मेशन ला रहा हूं, तो आप जरूर अप्रिसिएट करें, मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे, ताकि मैं आपके लिए के और अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन लेकर के आऊं। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर के आप तो समझ गए होंगे कि विड्रॉल में देरी क्यों हो रहा है, बस वही वजह है और दूसरा कुछ नहीं है, कि मार्केट से फंड जा नहीं रहा है, कंपनी के पास फंड है नहीं, इकोसिस्टम जो कंपनी का है वो इकोसिस्टम से अभी उतना जनरेट नहीं हो रहा है पैसा, ठीक है। तो उसके पास में बस एकमात्र वही है कि जो हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर में या रियल स्टॉक मार्केट का जो भी ट्रेडिंग होगा, वहां से ट्रेडिंग कर रही है कंपनी, पैसा जनरेट कर रही है, और जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे लोगों का विड्रॉल में रिलीज कर रही है। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कंपनी जो बोली है कि अगले 60 दिनों में हमारा सारा चीज अच्छा हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद सब चीज नॉर्मल हो जाएगा, फिर आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिलहाल ये जो चीज है ना, मतलब जो बुरा समय होता है ना, वो काफी पेनफुल होता है, और इसको मतलब बर्दाश्त कर पाना बहुत सारे लोगों के बस में नहीं होता है, तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते ऐसे कंडीशन में। इसलिए फिलहाल आप ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा मत सोचिए, कंपनी के टच में रहिए, अपलाइन के टच में रहिए, चीज में क्या हो रहा है नहीं हो रहा उसको देखने का प्रयास करिए, समझने की कोशिश करिए, आपको फिर कोई नेगेटिव नहीं कर सकता है। आप जिस ग्रुप में होंगे शायद आप देख पा रहे होंगे कि वहां उस ग्रुप के अंदर में कुछ ना कुछ बिजनेस का कुछ ना कुछ आपको दिखता होगा, तो वो लोग बेवकूफ नहीं है जो बिजनेस डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ देख ही रहे होंगे सिस्टम के अंदर, वो चल रहा है, सब चीज हो रहा है अच्छा खासा, तभी वो हो रहा है। खैर जो भी हो, अगर आप नहीं कर रहे हैं, नहीं बिजनेस दे रहे हैं, तो आराम से बैठिए और जो विड्रॉल किए हुए हैं बस इंतजार करिए। वो 5 दिन में नहीं दे रहा, 7 दिन में नहीं आ रहा, 10 दिन में नहीं आ रहा, 20 दिन में आएगा, 1 महीने में आएगा, लेकिन आएगा जरूर, देर हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पैसेंस रखिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। तो थैंक यू सो मच।